हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है दिन के 2:41 और ऑलमोस्ट 2:30 तक मैं घर पहुंच जाता हूं। और ये जो शर्ट देख रहे हो, ये मैंने कल लिया था, एक और लिया मैंने वाइट कलर का। सो जब वो पहनूंगा सुबह भी देख लेना, ये स्काई ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन है। स्पेशली मैंने ये ब्लेजर के नीचे पहनने के लिए लिया है, क्योंकि आजकल विंटर में स्कूल में ब्लेजर पहन के जा रहा हूं, और मेरे पास दो ही ब्लेजर है, एक ब्लैक और एक ये वाला। और अब स्कूल का जो यूनिफॉर्म है ना, वो भी इसी कलर का हो गया। अब ऐसा लगता है कि मैं स्कूल का बच्चा बन के घूम रहा हूँ, मतलब सेम सेम हो गया ना मतलब यूनिफॉर्म दोनों का। सो कोई बात नहीं। सो दो मैंने इस तरीके से शॉर्ट शर्ट ले लिए थे ब्लेजर के नीचे पहनने के लिए। और बेसिकली अभी का प्लान है लंच करना। सो लंच करेंगे, देन उसके बाद देखते हैं जो भी प्लान रहता है आज का। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। लेट्स सी आज लंच में क्या है हमारे पास। सो ये तो खाली, इसमें क्या है आपको पता है ये क्यों रखा हुआ है इसके ऊपर? इसलिए रखा हुआ है ताकि कोई चूहा या बिल्ली बिल्ली इसको हटा के इसमें मुंह ना मार पाए। ये है, क्या बोलते हैं इसको, अरबी होता है, अरबी का जो बड़ा वाला वर्जन होता है वो है ये। और इसमें है कि चावल, और ये है आलू। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उबला हुआ आलू बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। और उसमें सर टमाटर है वो। सो यही है आज हमारे लंच में, बहुत सिंपल सा। इसमें क्या है, अरे निकल जा, इसमें है फ्राइड राइस। तो चलो जल्दी से करते हैं लंच और उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहता है आज का। सो गाइस, ये देखो, ये ना पूरा जम चुका है एकदम, जैसे सॉलिड जैसा हो गया था। सो अभी मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, और इसमें ना फिश भी है। इसको फिश कड़ी भी बोल सकते हो आप, फिश कड़ी, अरे पता नहीं जो भी बोल सकते हैं। सो उसको गर्म करना पड़ रहा है मुझे थोड़ा सा, फिर उसके बाद खाएंगे आराम से। सो गाइस, अभी टाइम हो गया है शाम के 8:14, और अभी का सीन ये है कि मेरी मम्मी की है थोड़ी सी तबीयत ख़राब। सो मम्मी काफ़ी थक चुकी है, तो मम्मी कह रही है कि मैं खाना वाना नहीं बना पाऊँगी, तुम लोग कहीं से कुछ खा लो। अब कहीं से क्या कुछ खा लो, दोपहर के चावल पड़े हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उसी को फ्राई कर लूँ। मैं अभी जाके मैंने गाजर, प्याज और पता नहीं क्या क्या, टमाटर वगैरह मैं खरीद के लाया हूँ। तो अभी करते हैं फ्राई, और ख़ुद भी खाते हैं और सबको खिलाते हैं। लेट्स गो, आज हम दिखाएंगे आपको फ्राइड राइस की रेसिपी। सो गाइस, इन सारे वेजिटेबल्स को मैं कर रहा था फिलहाल फ्राई। अभी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसमें चावल लूँगा, क्योंकि चावल के साथ फ्राई करूँगा तो ये आई थिंक कच्चे रह जाएंगे। तो पहले इनको अच्छे से फ्राई करते हैं। और इसमें है गाजर, टमाटर, और क्या डाला था मैंने, गाजर डाला था, टमाटर डाला था, प्याज। सो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अभी हम इसमें डालेंगे चावल। ऐसा लग रहा है ना, सच में रेसिपी बता रहा हूँ, बिल्कुल रेसिपी वाली फीलिंग आ रही होगी आपको। चावल तो बेचारा बिल्कुल ठंड में जम गया है बेचारा एकदम, तो अब इसको अच्छे से पिघलाते हैं पहले हम, अच्छे से गर्म करके। सो अभी मैं डाल रहा हूँ उसे मसाले, और मसाले के नाम पे हमारे पास सिर्फ मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर बस। सो गाइस, मेरा फ्राइड राइस रेडी तो हो गया, बट ऊपर यहाँ पे ये हो गया ना कि ये सारा ना चिपक गया बहुत बुरी तरह से, तो उसको भी अच्छे से निकालना पड़ेगा मुझे। पहले एक खीरा महाशय को भी काट लेते हैं फिर सलाद के लिए। सो गाइस, डिनर वगैरह तो हो गया था, बट लग रही थी थोड़ी ठंड, तो फिर मैं आ गया हूँ यही पास में कॉफ़ी शॉप है ना, लास्ट टाइम दिखाया था आपको। सो कॉफ़ी पीने के लिए आया हूँ मैं फिलहाल, थोड़ी गर्मी आ जाएगी ना कॉफ़ी पी के। फाइनली फट ही गया ये। हाँ, सो गाइस, मेरी कॉफ़ी आ चुकी है, तो फिलहाल मैं इसको पीता हूँ और उसके बाद निकलते हैं फिर। अभी रुको, तो मैं एक्सपोज करता हूँ। सो गाइस बोल के ये देखो गाइस, इनको इतनी खतरनाक ठंडी हवा में इनको बैठ के यहाँ पे आग जलाना है, मतलब हद होती है किसी भी चीज़ की। आप लोग भी इस आग का आनंद ले सकते हैं, और आपको हवा में यहाँ पे लोग
बैठ नहीं सकते, इसको यहीं पे आग जलाना है। कमेंट सेक्शन में बताना ये और एक महान लड़की इसका साथ दे रही है इस नाकाम कोशिश में। सो गाइस मैं तेरे को एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक मिनट में आग जला के दिखा, चल ले जल जाएगी, जला के दिखाना है कि मतलब ऐसा आग, थोड़ी प्रॉपर आग जिसमें हम लोगों के बीच में जला सकता हूँ आग, दो लोगों के बीच में भड़का के। नीचे रख, रुक जा, अरे रुक तो, ऐसी जलेगा आग, रुक जा। हाँ ऐसे जलेगा आग, तू तो तू चुप कम बोल, तू वीडियो बना बस। गौर से देखिए इस मैगी वाले बाल वाले इंसान को, मेरे मैगी की वजह से बाल, इसमें मेरी गलती नहीं है, भगवान की गलती है। अरे हाथ जलेगा ना तब तेरे को पता चलेगा, रुक जा यार, ये तरीका नहीं है जलाने का। 40 सेकंड हो गए, 20 सेकंड बचे हैं अभी, तो देख मैं इस लास्ट के 20 सेकंड में कमाल करूंगा जलाने की, था तुम्हारी बस की ना है। वो जल तो गया ले, और क्या जलाऊं, कहां जल गया इस आग में, तो हाथ पुआ लेगा। तुझे क्या लगता है ये पूरा घर जला दूं? अखन तुम्हारा हरम जले जावे ले, टाइम लगे। ये वो देखता है, हां वो 40 सेकंड में मैगी बनाओ और वो एक। सो फाइनली आग जल गई, आग को देख के ही गर्मी मतलब गर्म हो जाता ना बॉडी, ना देख के नहीं, पूरे भयंकर क्या आग जलाने की तरह। निकिता को पूरा 2 रुपए इनाम मिलेगा, 500 जगह दे, 500 टका, 500 रुपये, पता नहीं मैंने लास्ट कब देखा था। ये देखो इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आग की, और तीसरी को सबसे लेट बुलाया तुमने। मैं जलाने के बाद आता हूँ ना, नहीं बोलना नहीं पड़ता, तुरंत आ जाता हूँ। भाई मेरे को भी हेडफोन ला के देना एक बढ़िया वाला, ठंड से बचने के लिए। वो वाला डेमो वाला ला के दूँ? हाँ जिसमें गाना नहीं आएगा। कोई बात नहीं, बस होना चाहिए ब्रांड का, ब्रांड का तो लोगो लगा दे, गाना चले ना चले फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रहा है, देखो देखो मुस्कान देखो बंदे की, ना नाम सुनो सुनो सेंजोरिटा। अरे है ना, अंग्रेज तो हमें लूट के गए लेकिन हमारा टैलेंट नहीं लेके जा पाए। इंडियन जुगाड़, ये देखो इसको रोकने के लिए कोयडा मोटर हो भेजेगा वो, भयंकर तेजा मोटर मंज मानुष के ना, कुछ हमारा है मतलब ये लोगों का ही है, कुछ इसका नहीं है। इसका आदत जानते हो, लोग सही करने के लिए दे जाते हैं और ये कभी सही करता नहीं, रख देता है। इतना जलाता है कि लोग आते ही नहीं बिल लेने, भयंकर इतने सारे मोटर से पेंट दे रखा है इसमें। भाई नीचे टीवी चल रहा है, है चल रहा है इंडियन जुगाड़ और इंडिया के लोग। सो गाइज आज का डे यहीं पे ख़त्म होता है, और इस रूम में थोड़ी सी लाइट कम है तो आपको थोड़ा सा लाइट कम दिख रहा होगा। सो अभी फ़िलहाल आगे हमें बेड में सोने के लिए, नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सो फिलहाल मैं करता हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और डेली क्या ही सेम चीज़ बोलो, आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो अभी करता हूँ इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। Tell me why I'm falling, oh, life's calling.